रुपए का टैक्स नहीं देते, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले सड़क पे आ जाते हैं। आपने देखा आज जिस तरीके से संभल हो या लखनऊ में जिस तरीके से दंगाइयों ने उपद्रव मचाया, किस तरीके का वो नजारा था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे दिया है, जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं और उनसे ही उस सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान की भरपाई की जाएगी, उनकी संपत्ति बेची जाएगी, उनकी संपत्ति कुर्क कर की जाएगी। तो ये सख्त आदेश है और ऐसा ही आदेश किसी भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ये आदेश बिल्कुल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो उपद्रवी है इनको ये पता नहीं है कि CAB क्या है या CAA क्या है और NRC क्या है। NRC और CAA का कोई संबंध नहीं है। NRC अभी न विधेयक बना है न तो किसी ने उसके बारे में पता है।